समाजवादी पार्टी के मध्य प्रदेश अध्यक्ष राम सिंह पटेल के आह्वान पर समाजवादी पार्टी की सीहोर जिला अध्यक्ष श्रीमती इंदिरा भील के नेतृत्व में गुरुवार को सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर विभिन्न मांगों को लेकर महामहिम राज्यपाल के नाम का ज्ञापन सौंपा है। डिप्टी कलेक्टर सतीश राय को सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से समाजवादी पार्टी की सीहोर जिला अध्यक्ष इंदिरा भील ने वर्षों पहले पेपर मिल प्रबंधन को लीज पर दी गई सरकारी भूमि को सीहोर शहर में सैकड़ों किराए से रह रहे गरीबों को आवंटित करने की मांग की गई है। समाजवादी पार्टी ने इस जमीन पर प्रधानमंत्री आवास बनाने की मांग की है। इधर पीपलिया मीरा नई चंदेरी में सड़क निर्माण को लेकर हटाए जा रहे घुमक्कड़ जाति के लोगों को जमीन उपलब्ध कराने, पर्याप्त मुआवजा राशि देने की भी मांग समाजवादी पार्टी के द्वारा की गई है। बताया जाता है कि नई चंदेरी पीपलिया मीरा में सड़क निर्माण को लेकर हटाए जा रहे नागरिकों के पास समस्त प्रकार के सरकारी दस्तावेज मौजूद हैं, यहां तक कि इस भूमि पर प्रधानमंत्री आवास भी बनाए गए हैं। इसके बावजूद जिला प्रशासन के द्वारा उनको हटाया जा रहा है और उनको पर्याप्त मुआवजा राशि देकर विस्थापित भी नहीं किया जा रहा है। इधर सीहोर नगरपालिका परिषद में जारी प्रधानमंत्री आवास योजना के भ्रष्टाचार को लेकर भी समाजवादी पार्टी ने आवाज उठाई है। समाजवादी पार्टी सीहोर जिला अध्यक्ष श्रीमती इंदिरा भील ने कहा कि नगरपालिका परिषद सीहोर के द्वारा अपात्र लोगों को प्रधानमंत्री आवास का लोन दिया जा रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के द्वारा जन वितरण कंपनी के द्वारा दिए जा रहे भारी भरकम बिजली के बिलों को लेकर भी आपत्ति दर्ज कराई गई है। समाजवादी पार्टी ने जनहित में गरीबों के बिजली बिल पूर्ण रूप से माफ करने की मांग की है। कलेक्ट्रेट में किए गए प्रदर्शन के दौरान समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता बाबूलाल बारेला, गफूर भाई, शहीद भाई, हीरालाल, रेशम भाई, भगवती भाई, पार्वती भाई, आशा भाई, सुमित्रा भाई, कालू राम, गंगा राम, गणपत सिंह, गीता प्रसाद, अर्ची लाल, किरण भाई, पूजा भाई, रामलाल, कन्हैयालाल, आसाराम, अंबाराम सहित बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अन्य नागरिक सम्मिलित रहे। जा रही है 15-20 साल से रह रहे हैं वो कम वहाँ पे सरकार वाले ले जा रहे हैं जमीन, वही हुई जमीन को ले जा रहे हैं वो चला रहा है जेसीबी, बाकी के मकान भी तोड़ रहे हैं, मकान जला रहे हैं, क्या खाएंगे हम, रहने ही नहीं दे रहे हमको। ये मामला ये है कि ये लोग आज 70-75 साल से मतलब ये है कि चंदेरी पीपलिया भूरी बल्ली ये निवास कर रहा है बेचारे, गरीब गुरबा लोग हैं, अपने डलिए टोपली खाते हैं, बनाते बेचते खाते हैं, पेट भरते हैं बच्चे बच्चियों का। अब इनके कहने क्या है कि 4-4, 5-5, 3-3, 2-2, 3-3, 4-4 एकड़ जमीन ये कम से कम 25-30 परिवार है और उसमें थोड़ा बहुत तो कुछ हो जाता है कि नहीं होता है, मगर अब शासन प्रशासन सरकार कह रही है कि हमें गरीबों को बसा रही हूं और सरकार खुद आगे रह के मतलब गरीबों को उजाड़ रही बेचारों को। अब ये गरीब की जमीन भी छुड़ा ली, इनके मकान का जो आवासी इनको मिली है आवासी के अंदर भी मतलब ये है कि तोड़ तोड़ के वो डंफर चलाने के लिए रोड बना रहा है, जमीन जा रही है और वहाँ पे खाने पर 75 साल से रह रहा तो सुनवाई नहीं हो रही है। मैडम कलेक्टर आके वहाँ पे मैडम तहसीलदार तहसीलदार पटवार आके ने जमीन और वो चला रही है जेसीबी और वहाँ से शासन से क्या चाहते हो, प्रशासन से क्या चाहते हो? हम चाहते हैं साहब गरीब आदमी हमको कुछ न कुछ सहायता दे, जमीन थोड़ी छोड़ेंगे साहब, 4-4 एकड़ जमीन खा बोएंगे कहाँ चले जाएंगे, बोल रहे हैं जगह चाहिए हमारे के तो जमीन छोड़ने नहीं चाहते, मक्का धक्का बोएगा तो बाल बच्चा वही पालेंगे, क्या जाएंगे अब दूसरी जगह। क्या हो रहा है आपके मध्य प्रदेश में, हर खबर से अपडेट रहने के लिए आदर्श न्यूज चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और आप हमें अन्य सोशल मीडिया हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं।